हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन हीलिंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सो गाइस, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग लेकर। सो आज हम जानेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की आपके लिए आ रही है इस मंथ के लिए, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं टैरो से। ओके फ्रेंड्स, कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। दो कार्ड आ गए हैं, मैं दोनों ही लूंगी फ्रेंड्स। सो फर्स्ट कार्ड है चैरियट, वेरी नाइस चैरियट। स्कॉर्पियो द लवर्स, वाओ। किंग ऑफ वैंड्स नेक्स्ट है हमारे पास। ओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या बात है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैजिशियन, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोर ऑफ पैंटिकल्स, फाइव ऑफ पैंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़े से कार्ड सेट कर लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो कार्ड सेट हो चुके हैं, आई होप आपको अच्छे से शो हो रहे होंगे। सो स्कॉर्पियो, इस मंथ में न्यू बिगनिंग, न्यू सरप्राइजेज आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत सारी खुशियां मुझे आती हुई दिखाई दे रही है इस मंथ में आपके लिए स्कॉर्पियो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ज़रूर 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 जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है उसका फ़ायदा उठाइए, उसे अवेयरनेस के साथ आप देखिए कि क्या नई चीज़ें आपको मिल रही है इस मंथ में फ्रेंड्स। ओके, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको इस मंथ में फ्रेंड्स। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप अपने प्यार की तरफ मूव ऑन करेंगे। जिन लोगों की बातचीत बंद हो गई थी, जिन लोगों का जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ब्रेकअप वगैरह हो गया था, आप फिर से एक नई शुरुआत करेंगे अपने रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर जो जिनसे आपकी बातचीत नहीं चल रही थी, वो आएंगे, आपसे बात करेंगे। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर फ्रेंड्स, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं उनको और बहुत डीप लव है आपके लिए उनका। दोबारा से वो ज़रूर आएंगे और ये बहुत जल्दी होगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए उनके लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आप मनी को लेकर बहुत इनसिक्योरिटीज़ फील करते हैं। और जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब धीरे 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 कम होने लगेगी फ्रेंड्स। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने लगेगी, बट आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं एक रेमेडी बताती हूँ फ्रेंड्स। आप स्विच वर्ड काउंट 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 यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस वर्ड को, काउंट को चेंट कर सकते हैं, आप चेंट कीजिए। इसी के साथ अगर आप अफर्मेशन मनी से रिलेटेड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कौन सा अफर्मेशन आपको यूज़ करना चाहिए। ओके, ये ज़रूर कीजिए आप। अगर मनी को लेकर इनसिक्योरिटीज़ फील होती है, फाइनेंसिस प्रॉब्लम कुछ चल रही है, तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिए। ओके, कुछ लोगों का मुझे ट्रैवल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हनीमून पर जा सकते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं। कुछ लोगों का बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर कोई ट्रैवल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस मंथ में। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस मंथ में। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है, तो कुछ खुशियाँ आप लोगों के लिए आ रही है। बस आपको अवेयर रहना है जो भी चीज़ आपके लिए आ रही है उसके प्रति। ओके, अगर मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आएगा जो आपकी हेल्प करेगा
इस मंथ में आपको जो ज़रूरत है, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आ रही है, मनी की ज़रूरत है, तो आपको मनी से हेल्प करेगा, या किसी सोर्स की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए बिज़नेस में या किसी भी चीज़ में, स्टडी में, तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड होगी इस मंथ में. ओके फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल अवेयर रहिएगा. कोई अगर ऐसा पर्सन आता है तो उस पर ट्रस्ट आप कर सकते हैं. जिन लोगों को आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अब आइडियाज़ भी आपके लाइफ में आएंगे. नई नई एडवाइज़ आपको मिलेगी. आपके फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से, मदर फादर आपको सपोर्ट कर सकते हैं. सारे सोर्सेज आपको मिलेंगे इस मंथ में फ्रेंड्स, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए. पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा अपने मदर फादर, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से. तो आप इस समय का ज़रूर फ़ायदा उठाएं. ओके फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में. बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कीजिए. ये वर्क करता है, पर पूरे विश्वास के साथ इसे यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स. ओके, तो चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस मंथ में, क्या गाइडेंस आ रही है स्कॉर्पियो डिवाइन की. वन मोर टाइम. ओके, थैंक यू. टर्निंग इन, देखिए ये मैसेज यही बताता है फ्रेंड्स कि अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए. कुछ अगर अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत सारे विचार आते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कैसे करूँ कैसे नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको जब समझ आएंगी जब आप खुद के साथ बैठेंगे. ये कार्ड यही बताता है, सीधा सीधा मेडिटेशन कीजिए फ्रेंड्स. ज़रूर मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लेकर आइए. ओके, मेरे चैनल पे मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो भी बना रखा है, आप उसे सुनकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं. रिलैक्स कीजिए, ये सारे जो विचार हैं आपके अंदर उन्हें भी रिलैक्स दीजिए फ्रेंड्स. ये सोचना बंद कर दीजिए लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करती हूँ तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे. आपकी लाइफ है, आप जैसा जीना चाहते हैं वैसा जिए उसको. ओके, मोलारिटी अभी हम समझते हैं इनको, मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले. गिल्टी, ओके. बर्डन, ओके फ्रेंड्स. सो यहाँ पर हमारे पास आया मोलारिटी. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही चीज़ें मैं वापस से कहूँगी, ये मैसेज रिपीट हुआ है कि जो नेगेटिविटी आपने अपने माइंड में ला रखी है कुछ चीज़ों को लेकर, या हो सकता है आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हों, या अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हों, उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. जैसे जैसे आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, आपके लिए आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी अपने आप. तो आपको अपने विचारों में बदलाव लाने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो. ओके, ये ज़रूर करके देखिए, आप खुद अपने अंदर एक शांति, एक पीस महसूस करेंगे. ये जो गिल्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, हो सकता है किसी से आपकी अनबन हुई हो या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, उसकी वजह से ये गिल्टी आपके अंदर है, इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है. ये जो एनर्जी है ये आपको परेशान कर रही है, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर लेकर आ रही है, इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है. शांति में बैठिए, मैं फिर से कहूँगी मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए. जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं जब से ही आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, ये रिलीज़ कीजिए, ये एनर्जी जो आपके अंदर है इसे रिलीज़ कीजिए फ्रेंड्स. नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसे रिमूव करके आगे बढ़िए फ्रेंड्स. ओके, बर्डन, किस चीज़ का बर्डन है आपको फ्रेंड्स? डिवाइन आपको सीधा सीधा मैसेज दे रही है, इस बर्डन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है. ये जो गिल्टी है, ये जो बर्डन है आपके अंदर, इसे रिलीज़ कीजिए इस मंथ में. ये एनर्जी अगर आप अपने अंदर फील करते हैं गिल्टी की या नेगेटिविटी की, नेगेटिव थॉट्स की, बर्डन्स की, तो इन सब चीज़ों को आपको अपने विचारों से बदलना है. जैसा हम सोचते हैं वही हमारी एनर्जी फ्लो होना शुरू कर देती है. जितना ज़्यादा हो सके अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, अपने लिए, अपनों के लिए. ओके, जितना ज़्यादा हो सके. अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी लाइफ में चल रही है तो उसके लिए भी पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स.
सबका टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा। डिवाइन टाइमिंग अपने समय पर अपना काम करना शुरू कर देगी, ओके? और मुझे लग रहा है कर दिया है। एक बड़ी चेंज आपकी लाइफ में आ रही है फ्रेंड्स, पॉजिटिव चेंज। आपको उसे जीना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, ओके? जो भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी अनबन चल रही है, उसे भी आपको आगे बढ़ के फेस करना है। उसे जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें हटाना है अपने रिलेशनशिप से, ओके? बहुत सारा प्यार मुझे आपके पार्टनर के लिए आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जो नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है किसी और की वजह से या आपकी ही दोनों की कुछ बातचीत हो गई हो, उसे रिलीज़ कीजिए, बैठिए, बात कीजिए, ओके? चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ है जो आपको इस मंथ में सरेंडर करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। स्कॉर्पियो, किस सिचुएशन को आपको सरेंडर करना चाहिए इस मंथ में ताकि आपकी लाइफ स्मूथली ग्रो करती रहे, जान लेते हैं। ओके, सरेंडर टू योर इंटीमेसी। यू आर रेडी टू लेट लव इन, पैशनेटली आइडेंटिफाई एंड बिगिन टू रिलीज एनी पैटर्न दैट स्टॉप यू फ्रॉम ओपन योर हार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यही मैसेज हमें डिवाइन दे रही है। आपके अंदर जो भी अपने प्यार को लेकर जो भी पैटर्न्स हैं, हो सकता है कुछ नेगेटिविटी के पैटर्न्स हों, वो रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है सामने वाले पर्सन के लिए, जो भी आपका पार्टनर है उसके लिए। अपने दिल को ओपन कीजिए फ्रेंड्स, ओके? आप बिल्कुल रेडी हैं नई शुरुआत करने के लिए, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है ये मैसेज कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे फ्रेंड्स, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है। एक सेकेंड, सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं वो आप लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ओके? एक कार्ड और हम देखेंगे यहाँ पर। हमारे पास है सरेंडर टू जॉय। अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन एंड सर्वर इट। Indulge in random acts of smiling during both the heart and easy time. Keep surrender to more joy. Okay friends, तो यहाँ पर यही message है, joy को surrender कर दीजिए। जो भी time चल रहा है आपकी life में, positive, negative, उस time को surrender करते हुए, enjoy करते हुए उस समय को बिताइए, okay? यही यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए। Smile के साथ, खुशी के साथ उस समय को बिताइए, okay? तो चलिए यहाँ पर अफर्मेशन देख लेते हैं, क्या अफर्मेशन है इस मंथ के लिए आपके लिए स्कॉर्पियो। ये मैं नहीं लूँगी। वन सेकंड फ्रेंड्स, ओके? सो फ्रेंड्स, अगर आप अफर्मेशंस के बारे में नहीं जानते हैं कैसे यूज़ करना है अफर्मेशन को, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है अफर्मेशन को लेकर, आप उसे देख सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं फ्रेंड्स, वन मिनट, ओके। ओहो, सो गाइज, यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। व्हेन आई रिसीव मनी आई फील ग्रेटफुल। सो देखिए खुद के, आप लोगों के लिए अपने आप ही, जो फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं उनके लिए अपने आप ही मैसेज आया है, अफर्मेशन आया है। व्हेन आई रिसीव मनी आई फील ग्रेटफुल। हो सकता है आप ग्रेटफुल फील नहीं करते हो अपनी लाइफ में जब मनी आपके पास आती हो, तो इस चीज़ को भी अपने लाइफ में लेकर आइए। ये अफर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर जानना चाहते हैं अफर्मेशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी फ्रेंड्स। एक और अफर्मेशन हम देखेंगे, ओके? आई एम लेट गो ऑफ स्ट्रगल एंड सरेंडर टू ईज। ये भी बहुत प्यारा अफर्मेशन है फ्रेंड्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं।
सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प आपको मिली हो इस रीडिंग से। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, सबका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, खुश रहना और खुशियाँ बांटते रहना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।